हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुलुंड पूर्व में स्थित डॉक्टर चिंतामन देशमुख उद्यान में 2 दिवसीय फूलों और फलों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। वृक्ष प्राधिकरण और मुंबई महानगर पालिका की ओर से ये आयोजन किया जाता है। हर वर्ष विशेष थीम रखी जाती है। इस वर्ष स्पोर्ट्स और बच्चों के मनपसंद कार्टून का थीम रखा गया था। फूलों से कार्टून कैरेक्टर जैसे ट्विटी, पेपा पिग्स, लिटिल रेड राइडिंग हुड और स्पोर्ट्स जैसे हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि और रेसलिंग की विशाल प्रतिमाएं थी। मैं जगदीश भोईर, सहायक उद्यान अधीक्षक इस पद पर टी विभाग में काम करता हूँ। ये जो प्रदर्शन है ये हम 7वां साल है, हर साल कर ये प्रदर्शन आयोजित किया जाता है जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र बना था। इस प्रदर्शन में वुड आर्ट का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिनमें विविध प्राणियों की प्रतिकृति बनाई गई थी। इतना ही नहीं, नागरिकों के लिए हैली क्रिसमस, कोलांडुला ऑस्टर, एंटी मैन जैसे सुगंधित फूल थे और आंवला, अर्जुन, लवंग जैसे औषधि वनस्पति भी थे। गाजर, ब्रोकली, गोभी जैसे विविध प्रकार की सब्जियां थी। मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चों में और सिटीजन्स में झाड़ के प्रति अवेयरनेस हो जाए। और ये जो झाड़ है, जैसे आप देख रहे हैं, सीजनल फ्लावर्स है, जैसे गेंदा है, सूर्यफूल है, यहाँ पर पिटोनिया है, डायंथस है, सालविया, ऐसे अनेक प्रकार के फ्लावर्स है। ये जनरली बच्चों को फोटो में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम वो हमारे नर्सरी में हुआ के उसका डिस्प्ले करते हैं और उसका नाम भी लगाए हुए है, तो बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्र वृक्षों का संरक्षण और जतन अधिनियम 1975 के कलम 7 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार वृक्ष प्राधिकरण द्वारा वृक्ष, फलों और फूलों तथा सब्जियों का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। इसी के तहत वृक्ष प्राधिकरण व बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा ये प्रदर्शन आयोजन किया जाता है। मेरा नाम सचिन टेंकर है और मैं यही का रहवासी हूँ। तो पहले बात तो जैसे मैंने एंटर किया और ये सब देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा कि बीएमसी ने एक बहुत बढ़िया ऐसा शो रखा है जिसकी आज की तारीख में अगर देखा जाए जहाँ पे नेचर डिस्ट्रक्शन इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो ये जो शो होता है तो इससे एक पहले बात तो अवेयरनेस क्रिएट। इसी प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में नागरिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता था, परंतु अब पाबंदियों में ढील देने के बाद इस वर्ष से ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है परंतु अब पाबंदियों में ढील देने के कारण इस वर्ष से ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए संवाददाता प्रणीत तिवारी के साथ अक्षता पवार की रिपोर्ट।